हमने एक नया एग्जांपल क्रिएट किया है a63html और इसके साथ लिंक करने के लिए a63js फाइल। ये a63js फाइल है और नाउ सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल देन क्लोजिंग। इसके लिए कुछ css लिखना होगा। मैं js प्रेक में जो हमारा css फोल्डर है कंट्रोल एंड सेव, यहाँ पर मैं a63.css फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको भी हम लोग a63html के साथ लिंक कर देंगे। इसके लिए हमें लिंक टैग यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमने लिखा rel style sheet then type text slash css then href। हमने कहा css फोल्डर में एक a63.css फाइल है। नाउ हमने लिंक कर दिया है। इसके बाद नाउ इस टेबल पर हम css अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेबल के लिए कुछ css लिखूंगा। पहले एक रो बना लेते हैं, रो को हमने क्लोज किया, देन हमने td बनाया यानी कि सेल, और सेल को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। नाउ इसमें कुछ वैल्यू में लिखना होगा। हमने सपोज कहा a1 और हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स क्रिएट किया। हमने कहा a2 a3 a4। नाउ एक और रो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा 5 6 7 and 8। नाउ ये टेबल को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। इस एग्जांपल को html a63.html जिस हमने रन किया, सॉरी शायद मैंने गलत लिखा, a63html ये। तो अभी देखो हमें css अप्लाई करना होगा, टेबल को बॉर्डर अप्लाई करना होगा। नाउ डन। तो यहाँ पर a63css के अंदर हमने लिखा, हमारे पास एक टेबल टैग है और इसके लिए सीधे हम css रूल लिखने वाले हैं। हमने कहा बॉर्डर अप्लाई करना है 1 pixel सॉलिड, हमने कहा ब्लैक। आप चाहो तो एक शेड ले सकते हो, आपने कहा 777। नाउ और उसके बाद आप अलाइन कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो है मार्जिन। हमने कहा 0 pixel ऊपर नीचे ऑटो, साइड में दोनों साइड में ऑटो। तो मार्जिन अप्लाई किया, देन उसके बाद इसका हमें एक विड्थ भी सेट कर देना चाहिए। तो हमने कहा इसका विड्थ, टेबल का विड्थ हमें कितना रखना है। हमने कहा पूरे स्क्रीन का 50% ऑक्यूपाई करो। डन। तो हमने इसको रन किया, आप देख सकते हैं टेबल को एक बॉर्डर अप्लाई हो गया, लेकिन हमें साथ में सेल को भी अप्लाई करना होगा। मैंने कहा इतने सारे सेल हैं, सीधे हमने लिखा जितने भी सेल हैं हमारे पेज में सभी को ये सेम CSS अप्लाई करो। हमने कहा बॉर्डर 1 pixel सॉलिड हैश, सेव की अप्लाई करेंगे। हमने कहा रिफ्रेश। डन। हम और क्या कर सकते हैं, सेल का हम लोग हाइट सेट कर सकते हैं। हाइट हमने कहा सेल का हाइट 50 पिक्सल्स कर दो। रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा हो गया ना, उसको हम 30 पिक्सल्स कर देते हैं ना, उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश। डन। और यहाँ HTML में आके एक और रो क्रिएट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, मैं सबसे पहले कुछ बेसिक HTML और उसके ऊपर कुछ ज़रूरी स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने एक और रो क्रिएट किया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर हमने लिखा 9 10 11 12, ये हमने लिखा। नाउ हमारा टेबल बन के रेडी है। मैं इसके ऊपर अब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमने कहा वेर, हमने कहा टेबल, एक वेरिएबल बना लिया उसका नाम टेबल रखा, ठीक है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो एलिमेंट्स, हमने किसी भी एलिमेंट को आईडी नहीं दिया है, हमने कहा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसमें आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, सिंगल कोट डबल कोट। हमने लिखा कि टेबल नाम का एक टैग है, उसको फाइंड करो। तो हमें क्या मिला, अलर्ट में हमने कहा ये टेबल को प्रिंट करो। क्या एग्जैक्टली हमको टेबल मिलने वाला है? नहीं, हमने क्या बोला है गेट एलिमेंट्स, तो आपको कलेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ टेबल नहीं, यहाँ टेबल्स होना चाहिए, राइट।
तो वेरिएबल का नाम हमारी चॉइस है लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल साउंड करेगा। तो मैंने कहा ठीक है रिफ्रेश करते हैं, हमने 3 रोज क्रिएट किया था लास्ट टाइम, थर्ड रो रिफ्रेश करते हैं। तो HTML कलेक्शन वो रिटर्न हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर जो भी टेबल्स हैं उनका लेंथ क्या है ये मालूम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हमने अगला स्टेटमेंट लिखा टेबल्स डॉट भैया कलेक्शन, तो कलेक्शन का लेंथ मालूम करेंगे। रिफ्रेश कितना ना चाहिए वैसे, 0 1 1 टेबल, हमारे पास कितने नंबर ऑफ टेबल है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग का नाम क्या दिया टेबल, टेबल नाम से ऐसे कितने टेबल्स हमारे पास है 1। ठीक है डन ओके। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और हमने कहा एक और वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम टेबल रखते हैं, ऊपर टेबल्स है कलेक्शन है, यहाँ पर सिंगल टेबल। हमने कहा टेबल्स में से जो इंडेक्स 0 पर टेबल है क्योंकि हमारे पास 1 एलिमेंट है, तो वो कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पर होगा। हमने कहा अलर्ट, और हमने यहाँ लिखा टेबल को अलर्ट करते हैं, तो HTML टेबल एलिमेंट ऐसा आना चाहिए। रिफ्रेश ठीक है HTML टेबल एलिमेंट नाउ ओके। यहाँ पर हमने कहा टेबल डॉट लेंथ, क्या हम टेबल के ऊपर लेंथ प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, और रिफ्रेश अनडिफाइंड सॉरी ये पॉसिबल नहीं है डन। तो टेबल डॉट लेंथ नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे, हमने कहा रोज ठीक है, हमने कहा ये जो टेबल हमने गेट किया है डॉट रोज नाम का प्रॉपर्टी होता है, टेबल डॉट रोज बोलने से उस पर्टिकुलर टेबल एलिमेंट में जो सारे रोज हैं हर रो का अपना एक ऑब्जेक्ट है उनका हमें कलेक्शन मिलेगा। इसलिए मैं अलर्ट स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो रोज है उनको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सॉरी मैं इसको रन करूँगा, मैंने कहा रिफ्रेश, तो HTML कलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था ओके। तो HTML कलेक्शन रोज रोज का कलेक्शन हमको मिल गया। नाउ हमने इसे कमेंट किया और हमने लिखा अलर्ट, और हमने यहाँ लिखा रोज डॉट लेंथ, तो कितने रोज है 3 रोज है, तो लेंथ क्या होना चाहिए 3, हमने कहा 3 बराबर है ओके डन ना। उसके बाद हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो जो सारे के सारे हमें रोज मिल गए उनमें से किसी एक रो को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हमने कहा वेर रो, हमने कहा रोज में से एक किसी रो को एक्सेस करना है क्योंकि उसका लेंथ आपको दिखाया था 3 है क्योंकि 3 रोज है। तो हमने कहा उसका इंडेक्स 0 वाला जो रो है उसको रीड करना, हमने कहा अलर्ट, और हमने कहा उस रो को मैं एक्सेस करके दिखाऊं। तो यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो HTML टेबल रो एलिमेंट, तो ठीक है तो ये जो रो है हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है। तो अब हमने इसे भी कमेंट कर दिया नाउ, तो उसमें से जब सारे रोज में से कोई भी एक रो आप रीड कर सकते हो, तो सुना है रो में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो मैंने कहा वेर, हमने कहा सेल्स, और हमने कहा ये जो रो हमने गेट किया है उसके ऊपर सेल्स नाम का प्रॉपर्टी कॉल करते हैं। तो किसी रो के साथ किसी टेबल में जो रो होती हो अगर उसको आप एक्सेस कर लेते हो तो उस रो के साथ हम सेल्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा अलर्ट, और क्योंकि हमें सेल्स मिलने वाला है यानी कलेक्शन मिलने वाला है तो उसको हम देखेंगे ये कलेक्शन कैसा है, हमने कहा रिफ्रेश। तो HTML कलेक्शन किस चीज़ का कलेक्शन, जितने भी सेल हैं उनके ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ओके। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और हमने लिखा अलर्ट सेल्स डॉट, हमने कहा लेंथ क्योंकि वो कलेक्शन है हमने लेंथ किया, तो किसी रो के अंदर कितने सेल्स हैं, आपने देखा सभी में 4 है तो 4 आना चाहिए, यस देखो 4 आ रहा है। तो हमने फर्स्ट रो जिसको हमने एक्सेस किया इंडेक्स 0 पर उसके रोज के बारे में बात कर रहे थे। अब हमने कहा कि वो जो सारे सेल्स हैं उसमें जो इंडेक्स 0 वाला सेल है उसको एक्सेस करो, तो मैंने कहा वेर सेल, सेल वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब हमने कहा अलर्ट, और हमने कहा इस सेल को अलर्ट करो, तो HTML है ना HTML सेल एलिमेंट आना चाहिए, क्या लिखा HTML टेबल सेल एलिमेंट ओके सेल। तो हमने बराबर सेल को एक्सेस कर लिया है। तो अब हमने सोचा कि एक और वेरिएबल बनाते हैं वेर, हमने कहा सेल डेटा, ये एक वेरिएबल का नाम दिया, और हमने कहा जिस सेल को हमने एक्सेस किया है फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल को उसका इनर HTML ज़रा एक्सेस करके देना हमें, और हाँ उसको अलर्ट तो किया नहीं, हम उसको अलर्ट बोल देते हैं। तो हमने कहा जो सेल डेटा है उसे अलर्ट करो डन।
तो ए वन आना चाहिए और रिफ्रेश करेंगे, ए वन डन। तो इसके साथ मान लो हमें ए सेवन करना है, तो हमें क्या लिखना होगा? अगर हमें ए सेवन को एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना होगा? तो हम इसके बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा।